सारा सामान मैं ले आया हूँ तो अंदर से शुरू होंगे हम सारे स्केच की भी। आज मैंने स्केच की भी यार पूरी कोशिश करनी है, मैं कर लूँ और इसकी भी करनी है, मतलब सारा पूरी सेटअप जो है ना इंशाल्लाह साफ कर देना। और धूप भी निकल आई है यार, मैं बस टेंशन में था कि धूप ना निकले उससे पहले पहले आ जाऊँ, लेकिन आया हूँ तो यार धूप आई भी है, लेकिन यार हिम्मत नहीं आ रही। इंशाल्लाह आपका भाई कर लेगा। तो बाकी ये देखें यार किस तरीके से लाइन में बैठे हुए दोस्तों, 1 2 3 4 5 तीन चीज़ यहाँ पे बैठी हुई बॉयल राइस खा रही है, देखिए कितने मज़े से, क्योंकि सुबह सुबह का टाइम है, ये खाएंगी अपने बच्चों को जाके फिर करवाएंगी। सफाई कर लूँ उसके बाद आपको मिलता हूँ, सफाई करने के बाद ही आप लोगों को जो है ना पूरा एक व्यू देखने को मिलेगा। तो अभी तो ये कुछ व्यू है और उसके बाद 10 सेकंडों में कुछ ऐसा व्यू हो जाएगा। 3 2 ये देखे भाई माशाल्लाह से हमारा सेटअप चमक गया इतनी सी देर में। आप लोगों के लिए एक चुटकी है, लेकिन यार पीछे मेरा यार इतनी मेहनत लगी है ना, सारे केजेस अल्हम्दुलिल्लाह साफ हो गए। हाय 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 क्या बात है भाई क्या बात है, ये देख कारे मार रहे भाई सब। ये तो ये देखे ये वाला केज भी कितना जबरदस्त हो गया और इस केज की भी भाई मैंने सफाई कर ली यार। ये देखे माशाल्लाह ये हमारा सेटअप हो गया है, कितना साफ सुथरा हो गया यार। पहले आप लोगों ने देखा होगा कितना गंदा था, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह देखे मैं आपको दूर से दिखाता हूँ माशाल्लाह से कितना साफ हो गया यार। ये देखें यार मसला हो गया दोस्तों, मसला हो गया। अभी यार ताला लगाओ जल्दी से, आते ताला लगाओ यार, मसला हो गया यार एक दोस्तों। अरे भाई दोस्तों यार हमारी डब का बच्चा ये देखें यार किधर फंसा हुआ है, और ये मर गया है क्या? जिंदा है जिंदा है जिंदा इसका ओए आ गया ओए शीटल भी इसका ब्लड निकल रहा है, पता नहीं कब का फंसा हुआ यार ये। ओए यार दोस्तों शुक्र यार टाइम पे देख लिया, वरना तो उसने मर जाना था यार। हम अभी छत पे आए थे दाना वगैरह डालने के लिए अपने बर्ड्स को, और यार बेचारा अभी ने देखा यहाँ पे तो यहाँ पे फंसा हुआ था। शुक्र है बाहर आ गया और जिंदा है इसको यार, शुक्र यार ठीक है। यार गया कैसे अंदर, मुझे समझ नहीं आ रही, पीछे से गिर गया मुझे लग रहा है यहाँ से दोस्तों गिर गया होगा अंदर यहाँ से, तो इसको हम ना थोड़ा सा साथ जोड़ देते हैं। अब ये देखें अब इंशाल्लाह नहीं जाएगा, तो बस यार दुआ करनी दोस्तों ये ठीक हो जाए जल्द से जल्द। भाई लवबर्ड का जो आप लोग कह रहे होते हैं मुझे कि भाई इन्होंने ना नेस्टिंग मटेरियल के पीछे छुपाए हुए होते हैं अपने अंडे, अब क्या लगता है होंगे अभी दोस्तों? मुर्गी अंडा देने बैठी हुई है, ये कन्फर्म आज अंडा देगी। उस दिन भी यार इसी तरीके से बैठी थी और मैंने आपको लोगों को दिखाया था आके ज़मीन पर अंडा पड़ा हुआ था, तो ये अब जाके बैठ रही इंशाल्लाह ये बहुत जल्द अंडे दे देगी। तो यार लवबर्ड को देख ही लेते हैं कि ना इन्होंने, हो सकता है यार इन्होंने ऐसी सुरंग बनाई हुई है कि आगे इन्होंने पूरी दीवार खड़ी कर दी, इतना तो सुराख खोला वहाँ से पीछे से जाके अंदर इन्होंने कुछ किया हुआ, तो देखते हैं यार चलें। मैं दोस्तों देखता हूँ क्या ये उड़ पा रहा है कि नहीं उड़ पा रहा, क्योंकि इसके हाथ फंसे हुए थे बेचारे के, तो इसको मैं यार ये उड़ तो नहीं पा रहा मुझे लग रहा है दोस्तों। एक मिनट यार ये देखें ओए ये देखें यार इसको ना मैं यहाँ पर बिठा देता हूँ, और ये देखें बेचारे के यार दोनों हाथ फंसे हुए थे और शुक्र है टाइम पे देख लिया, वरना तो यार इसने मर जाना था। इसको ना मैं उड़ा के देखता हूँ क्या ये उड़ पा रहा है कि नहीं उड़ पा रहा है, इसको ना थोड़ा सा यहाँ से ऐसे करता हूँ ऊपर को और उड़ रहा है अभी। चलो यार शुक्र है दोस्तों उड़ रहा है। यार मैं अपने लव बर्ड गया दोस्तों, मटकी का ढक्कन उठा के ऊपर वाली साइड से देखूँगा, फिर हो सकता है हमें कुछ नज़र आए। तो अंडे तो यार ही तकरीबन देने वाले हैं मुझे लग रहा है, और देख लेते हैं भाई लवबर्ड दोस्तों ये देखें यार अंदर बैठे हैं दोनों के दोनों। और भाई यार नेस्टिंग बड़ी ज़बरदस्त की है दोस्तों मैंने। दोस्तों ये वाला तो मुझे पता है कंफर्म ए ब्रीडर पेयर है हमारा, लेकिन यार ये वाला जो पेयर है ना जो हम बाद में लेके आए थे ये मुझे दोनों मेल लग रहे हैं, क्योंकि यार इनका कोई मूड ही नहीं है अंडे देने का, और ये बिल्कुल ब्रीडर पेयर में लेके आया था, और मुझे तो लग रहा है कि दोनों के दोनों मेल हैं। अगर आप लोग कहेंगे कि भाई दोनों मेल हैं तो हम क्या करेंगे, इनमें से एक को चेंज करवा के फीमेल ले आएंगे, फिर ये भी पेयर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। और यार वो बाहर ही नहीं आ रहे, मैं क्या करता हूँ उनको बाहर थोड़ा सा साइड पर करके फिर आप लोगों को दिखाता हूँ, मैं खुद भी देखता हूँ। यार मुझे तो नज़र ही नहीं आ रहा भाई, इन्होंने हो सकता है अंदर कोई स्ट्रांग टाइप बनाई हुई, एक मिनट रुके मैं अंदर हाथ डाल के देखता हूँ क्या क्या सीन है अंदर चल रहा है। और नहीं यार दोस्तों अभी अंडा नहीं है, अगर अंडा होता यार फिर क्लियरली नज़र आ जाता हमें कि अंडा है अंदर।
नहीं यार अभी 200 अंडे नहीं दिया हमारे लोग ने। यार ये देखें अली भाई के पास जाके अली भाई को अंदर नहीं आने दे रहे क्योंकि इनको लग रही है भूख। और ये देखें दरवाजे के ऊपर चिपकने जाके अली भाई को अंदर ही नहीं आने दे रहा, मुझे वहां से जाके डब्बा उठाना पड़ेगा कि इसके अंदर दाना है। दोस्तों यार इनको ना थोड़ा सा आज यार दाना में लेट हो गया था डालने के लिए। मैं दोस्तों सफाई करके ना तो सुबह आप लोगों को पता सारी मार्केट सारी दुकानें बंद होती हैं। सर यार दुकानें दोस्तों सारी बंद थी इसलिए ना इनको आज जाना थोड़ा सा लेट हो गया यार। और माशाल्लाह से सारे भूखे थे तो भी मैंने इनको डाला यार आप लोगों के सामने। हर कोई जो है ना दाना खाने में लगा हुआ है। ये केज वाली डब को देखें, ये देखें ये खा रही है, लवबर्ड खा रहा है बैठा हुआ, ये डब यहाँ पे खा रही है, नीचे सारे परिंदे मार रही है देखें ये घूम रही है, ये खा रहे हैं, ये देखें इनको देखें ये दाना खा रहे हैं, जैरी और उसकी माँ दाना खा रही है। इसके अलावा अगर आपको दिखाऊँ ये देखें गोल्डन स्प्राइट दाना खा रही है, अलवी साइड पर उतरा मुर्गा दिखाऊँ ये भी दाना खा रहा है मुर्गा बैठा हुआ, ये देखें कबूतर भी अंदर दाना खा रहे हैं और डक्स हमारी खा के जा चुकी हैं। तो यार सारों को दाना डाला अलहमदिल्ला और दिल खुश हो गया, बिल्कुल सुकून मिल गया। जब तक यार मैं दाना ना डाला किसी परिंदे को, एक बेचैनी से रहती है यार वो मेरा परिंदा भूखा है तो उसको भूख लगी होगी उसको दाना डाल। और दुकानें भी यार बंद थी और दूसरी बात ये मेरे पास दाना भी सारे दोनों मुर्गियों का मुर्गियों वाला का भी और इनका भी दाना मेरे पास ख़त्म हो गया था। तो बाकी मैंने सबको भर भर के डाल दिया, मैंने कहा जितना दिल करता है खा लो सारे। तो बाकी यार सफाई वगैरह भी सब कुछ हो गया था देखें सारा अल्हम्दुलिल्लाह से। और दाना बाकी मैंने सबको डाल दिया जितने भी यहाँ पे परिंदे मैंने रखे हैं, नीचे वाली एवरी में भी सबको मैं दाना डाल दिया हूँ। पानी ताज़ा भर रहा है यार वहाँ पे, ये हर दो मिनट बाद ना ही हमारी डकलिंग्स डक्स सारा पानी दोस्तों गंदा कर देती है, मट्टी ऐसे मट्टी का रेत बन जाती है पूरी, पता नहीं क्या करती है भाई ये, कहाँ से मुँह में मट्टी भर कर आती है और फिर उसमें करती रहती हैं, समझ नहीं आता इनका। तो खैर बाकी इन सबको डाल दिया अल्हम्दुलिल्लाह से और हमारा काम भी अब कंप्लीट हो चुका है। मैं भी अब थोड़ी देर में ये पानी भर रहा है नीचे जाने लगा हूँ। और हमारे यार एक बटेर के पास आँख के पास दोस्तों दाना निकल रहा है यार, ये देखें ये देखें दोस्तों आपको नज़र आ रहा होगा। आप लोग यार इसका इलाज बताएं क्या करें हम कि इससे जो है ना ये ठीक हो जाए। तो पानी भी भर गया इसको भी अब हम बंद कर देते हैं। चलें भाई अभी तक देखें सारे खाने में लगे हैं माशाल्लाह से। तो बस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को लामी से सब्सक्राइब करना आपने। मिलेंगे दोस्तों इंशाल्लाह किसी और वीडियो में ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए दोस्तों अल्लाह हाफिज़ बाय बाय। और आप लोगों ने यार गोल्डन स्प्राइट का नहीं बताया दोस्तों, इनके अंडों का हम क्या करें, जो भी हम इनके अंडे आएंगे इनका आपने लाजमी बताना। बाय बाय।